जल्दी उठो नीलू, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। बस मम्मी 5 मिनट और। ये आवाज हर सुबह हर घरौंदे की कहानी है। अलार्म से पहले जो नींद उड़ा दे, ये यादें बड़ी पुरानी है। मेरे घर पर भी यही होता था, जहाँ हर सुबह मम्मी पापा अपनी लाडली को उठाते थे। आज अपनी बेटी को देखकर उन्हीं लम्हों को जी रही हूँ मैं। आप सब मुझे भाबो के नाम से जानते हो, लेकिन आज अपनी यानी नीलू की स्कूल की कहानी सुनाऊंगी। मुंबई में मजगांव में मेरा जन्म हुआ, जहां रहने के लिए एक 10x12 का घर था, जहां मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई रहा करते थे। हमारी पढ़ाई अच्छे से हो, इसलिए पापा ने हमारा एडमिशन इंग्लिश मीडियम में कराया, उस वक्त जब लड़कियों का पढ़ाई करना ही एक मुद्दा हुआ करता था। रोजरी हाई स्कूल मेरा स्कूल। पर मेरे लिए मेरी कहानी उस घर से शुरू होती है, जहां मेरे परिवार ने मेरी खुशी के लिए न जाने कितने संघर्ष किए हैं। ये आंसू शायद आज मेरे जज्बातों को बयान न कर पाए। इस घर में ही मेरी शुरुआत हुई है और आई बॉर्न इन दिस हाउस। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पे ही जन्म दिया था और आपकी भाबो, आपकी नीलू वघेला की शुरुआत इस घर, इस दलित से हुई है। आई रियली सैल्यूट दिस, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ वो इस घर के बदौलत हूँ, मेरे मम्मी पापा की बदौलत। I'm missing. इस घर में 20 सालों बाद वापस आकर कुछ पलों के लिए ही सही, वापस अपनी माँ की गोद में आ गई हूँ मैं। बहुत प्यार दिया और उनकी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा उन्होंने हमें सुख दिया। इस घर में इतने आराम से रखा, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, उनकी हैसियत नहीं थी। उसके बाद आज जो भी मैं हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माई मम्मी पापा। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने मम्मी पापा की कही हुई बातों की और उनके साथ बिताए वक्त की अहमियत नहीं होती, पर जब आप खुद उनकी जगह पहुँचते हो तब उनकी कद्र होती है।
मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है मेरे परिवार ने। पहली बार इस छोटे से घर में जब कलर टीवी आया था, तब पूरी बिल्डिंग आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। टीवी आया था तो फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक जैसे एक मेला नहीं लगता है, टीवी आया है। मतलब बहुत बड़ी बात होती थी उस जमाने में मेरे पापा जब लेकर आए थे डॉग से। इस खिड़की से अक्सर आवाज आती थी, नीलू मां। आप सोच रहे होंगे ना कि नीलू मां? हाँ, मेरे पापा हमेशा मुझे नीलू मां बुलाया करते थे। वो कभी मुझे नीलू करके नहीं बुलाते थे, वो हमेशा मुझे अपनी माँ ही समझते थे। ये पूरी जो गैलरी है आप देखेंगे, ये पूरी गैलरी वो फूलों से सजाई जाती थी। मेरे पापा पता नहीं वो कहते थे कि पता नहीं तेरी शादी के वक्त मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन तेरा जन्मदिन मैं तेरी शादी की तरह ही मनाऊँगा। वो नहीं थे जब मेरी मैरिज हुई थी, पर उन्होंने हर साल मेरा जन्मदिन वैसे ही मनाया जैसे एक बेटी की शादी होती है। मेरा स्कूल नियमों का पक्का है। इस स्कूल में केजी से लेकर अपनी पूरी पढ़ाई की है मैंने। स्कूल में मेरी शुरुआत हुई, यही मैं पढ़ी हूँ, यहाँ से पढ़कर मैं निकली। मैं करीबन 5 साल की थी जब मैंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। और मैंने जब परफॉर्मेंस किया तो मेरे जो फादर थे उन्होंने उठ करके क्लैप किया कि इस बच्ची की हिम्मत है कि यहाँ स्टेज तक आई, इस एज में इसने परफॉर्मेंस दिया, ये जरूर आगे जाके कुछ बनेगी। और मेरी लाइफ की पहली फिल्म जिसमें एंथोनी की दीवानी थी मैं। ये क्लास मेरे लिए बेहद खास है, जहाँ मैं दोस्तों के संग 3 की तिगड़ी और मम्मा के दूध ब्रेड की वजह से बहुत फेमस थी। यहाँ सारे फ्रेंड्स बैठा करते थे, बहुत मस्ती करते थे, टिफिन पास किया जाता था, कई बार पेपर का रोल बना करके एक दूसरे को फेंका जाता था, और जिसके पास वो मिलता था टीचर उसी को मारती थी और बाकी सारे लोग हंसते थे। मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, एक थी बीना, एक और थी मैजबीन। हम 3 की टोली थी और हम सबसे पहले बेल बजती थी तो कैंटीन की तरफ भागते थे और तीनों 3 जगह से अटैक करते थे कि आगे जाके सबसे पहले भाजी पाव कौन उठाएगा। थोड़े समय बाद पता चलता था मेरी मम्मी जो है इतने बड़े वाटे के अंदर दूध ब्रेड और चम्मच डाल करके लेके आ रही है। सारी फ्रेंड्स हंसती थी कि तू क्या अभी तक छोटी है, तेरी मम्मी दूध पाव ये सब लेके आ रही है। मैं नहीं, इट्स मदर्स लव। कई बार ऐसा होता था कि
सैलरी के डेज के करीब आया होता है तो हर घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कई बार दूध नहीं होता था, तो माई मदर इज़ टू नॉट कम एंड ब्रिंग ब्रेकफास्ट टू मी एंड शी इज़ टू वेट एट होम कि बेटा आज थोड़ा दूध नहीं था तो चाय है तो तुम यही खा लेना। मुझे आगे ही बढ़ना था बिकॉज मैं अपनी मम्मी अपने पापा को बहुत सारी खुशियाँ देना चाहती थी, अपनी मम्मी को बहुत सारी ज्वेलरीज पहनाना चाहती थी क्योंकि वो हर ज्वेलरी की दुकान पर देखती थी, देख करके और आगे मूव कर जाती थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद थी। जब अपनी फिल्म की तो वेरी फर्स्ट टाइम आई बॉट बैंगल फॉर माई मामा। गर्मियों के दिन लंबे होते थे पर गर्मी में मेरे लिए मेरा दिन पूरा होता था ठंडी ठंडी बॉल वाली आइसक्रीम के साथ, और आज आज मैं उसी आइसक्रीम शॉप पर आई हूँ। यही वो जगह है वहाँ, यहाँ से आइसक्रीम मिलती थी और बाहर हम खड़े होते थे और खाते थे और बहुत खुश होते थे क्योंकि आइसक्रीम डे होता था उस टाइम। आज के दिन तो बच्चे कभी भी आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं और मिल जाती है, चलो आज खाते हैं। इसके पहले बॉल में वो आइसक्रीम मिला करती थी वैनिला, बहुत टेस्टी होती थी, पूरा आइस आइस लगा हुआ होता था उसमें, लेकिन अब कप से ही संतुष्टि लेनी पड़ेगी। स्कूल के छूटने के बाद हर दिन का रूटीन था माँ के साथ मार्केट जाना, जहाँ जाकर मुझे अपने बचपन में डिब्बा लेकर तेल लाने का वक्त याद आ गया। तेल मिलता है जैसे आपको पाव किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग लेके जाते थे एक किलो, तब उस वक्त बहुत बड़ा लगता था कि एक किलो तेल लेके जा रहे हैं, सिंग तेल लेके जा रहे हैं। अलग अलग तेल है, आपको सर पे लगाने के लिए जो खोपरे का तेल मिलता है वो भी यहाँ पे छुट्टा मिलता है और बहुत प्योर होता है। मिसिंग दोज डेज, जो डब्बा लेके आना पड़ता था तेल लाने के लिए। मेरी इन यादों का आज भी कोई साझेदार है तो वो है मेरा भाई, जिसने मुझे स्कूल में कम परेशान नहीं किया। अरे उसने तो घर में भी बहुत परेशान किया है। नीलू के बारे में क्या बताऊं, एज अ किड हम दोनों ने बहुत बहुत सारी शरारतें की, बहुत मस्तियां की। शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड इनफैक्ट आज मैं वो सारी चीजें मिस करता हूँ। एंड शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, मतलब हर टाइम फ्रॉम फर्स्ट टू नाइन्थ प्रोबेबली फर्स्ट ही आती थी रोजरी हाई स्कूल में। इनफैक्ट नाइन्थ में एक बार आई थिंक फाइनल एग्जाम में वो बीमार हो गई एंड शी वॉज नॉट एबल टू अटेंड द एग्जाम्स। इनफैक्ट तो वो सेकेंड आई एंड इतना रोई है वो, इतना रोई कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाई।
इनफैक्ट और मैं इतना हंसा उस वक्त कि भाई आप तो पास हो चुके हैं, फिर आप सेकेंड आए हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वेरेज जहाँ मैं आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी जस्ट पास, पर वो लाइक पहले से ही उसे था कि नहीं मुझे अव्वल नंबर पे रहना है एंड आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट. वी लव यू नीलू, वी सो प्राउड ऑफ यू ऑलवेज ऑलवेज, लव यू बच्चा. खत्म होने के साथ साथ मैंने राजस्थानी फिल्मों में काम करना शुरू किया था, जिसमें मुझे हर किरदार के साथ भाभो के रूप में भी आप सबका बेहद प्यार मिला. पर मैं आज भी अपने कल से जुड़ी हुई हूँ, उन उसूलों के साथ चल रही हूँ जो मुझे मेरे स्कूल ने, मेरे परिवार ने दिए हैं, जो मैं अपने बच्चों के साथ साथ आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती थी. ये थी मेरी स्कूल की कहानी, जिसके सपने हकीकत में बदले अपने स्कूल से मिले हौसलों की वजह से. थैंक यू रोजरी हाई स्कूल. ये है ABP News, आपको रखे आगे.